हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार शराब माफिया के दबाव में काम कर रही। मार्च महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में अनेक नई जगह शराब के ठेके खुल रहे। कई जगह पंचायतों के एनओसी लिए बिना भी शराब के ठेके खुले हैं, जिसका वहां की जनता विशेषकर महिला मंडल जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। परंतु जब प्रशासन से बात होती है तो वो कहते हैं कि ये ठेके नहीं, सब ठेके हैं और इनके लिए पंचायतों की एनओसी की आवश्यकता नहीं। इस तरह ये जो नियम वर्तमान सरकार ने बनाया है शराब माफिया को लाभ देने के लिए, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और इस नियम की आड़ में शराब के ठेकेदारों ने जगह जगह ठेके और साथ में अहाते खोलने शुरू किए हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश का जो स्वरूप है, हिमाचल प्रदेश की जो भावना है, वही बिगड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार वैसे तो नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, परंतु दूसरी तरफ इस तरह शराब माफिया के दबाव में काम करके ये भी लग रहा है कि कहीं नशे के खिलाफ अभियान उनका जो है वो नौटंकी ही तो नहीं है, कहीं वो अभियान नौटंकी बनकर ना रह जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शराब माफिया पर नकेल कसे और इस तरह जो जगह जगह ठेके खुल रहे हैं, हम देख रहे हैं नेशनल हाईवे पर ठेके खुले, आप हैरान होंगे कीरतपुर मनाली फोर लेन अभी उद्घाटन नहीं हुआ, अभी उस फोर लेन पर चाय की दुकानें नहीं है, परंतु शराब के ठेके खुल गए, जगह जगह खुल गए हैं। इस तरह से क्या वो नियमों के तहत खुले हैं, क्या वो परमिशन लेकर खुले हैं? हमारी मांग है कि सरकार इसकी जांच करे और इसके लिए जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का तहत ही जो है ये ठेके खुलने चाहिए,